अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। लेकिन इन 181 दिनों में, इन 181-182 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ एक चीज सोच के, जेल के कष्ट से नहीं। याद रखना, जेल तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं, जेल और ये लाठी, ये मुकदमे का डर, ये बंदर घुड़की किसी और को दिखाना, आम आदमी पार्टी वालों को। एक बात को लेकर परेशान हुआ, अरविंद केजरीवाल जी से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मनीष सिसोदिया से पूछो, कहते कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। मुझसे बार बार पूछा, मैंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। आतिशी जी से पूछा, इन्होंने कहा कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। सौरभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहा शराब घोटाला नहीं हुआ। भाजपाई कहते थे शराब घोटाला हुआ है, हुआ है, हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। मनीष सिसोदिया ने इसलिए किया कहा कि उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया। संजय सिंह ने इसलिए कहा, हमारे नेताओं ने इसलिए कहा कि हमने शराब घोटाला नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कहा क्योंकि भाजपा ने शराब घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है। याद रखना, 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है, किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन। तो भाजपा ही पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा, भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया। उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है, किसने किया है, किसने किया है, किसने किया है, किसने किया है? भाजपाइयों ने किया है।